राजधानी दिल्ली में सोमवार दोपहर के बाद आए भयंकर आंधी तूफान ने पेड़ों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने की कॉल सामने आई। अगर नई दिल्ली एरिया की बात करें तो एनडीएमसी से मिले रिकॉर्ड्स के अनुसार लगभग 170 कॉल्स मिली, जिसके अंदर नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने या फिर पेड़ की बड़ी टहनियां गिरने की खबरें आई। इतना ही नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी 350 से ज्यादा कॉल्स आए जिसमें ट्रैफिक कंजेशन की बात कही गई। आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ क्यों गिरे, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पर्यावरणविद भुवन भास्कर जी जुड़े हुए हैं। भुवन जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। हाँ नमस्कार सर जी जी भुवन आपका। जी, क्या किसी बड़े खतरे का अंदेशा है? क्योंकि 3 दशक के अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिला जब इतनी बड़ी तादाद में पेड़ गिरे। हाँ सर, देखिए जैसा कि एक हमारे साइंटिस्ट थे बसु साहब, सर तो उन्होंने बताया था कि पेड़ भी हमारी तरह ही एक जीवित है। जिस तरह से हम इंसान जीवित हैं उस तरह से पेड़ भी, और वो इमोशंस को महसूस करते हैं, उनके लिए डे लाइट और नाइट लाइट में डिफरेंसेस वो समझते हैं। एज सिमिलर अगर हम समझे तो दिल्ली जैसी जो जगह है, जो हमारी राजधानी है, एक कंक्रीट का जंगल जो बनती जा रही है, तो पेड़ तो हमने लगा दिया है और पेड़ के चारों तरफ हमने जो सॉइल प्रोफाइल है उसकी, उससे उतना हम ध्यान दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास लैंड की भी उतनी कमी है। जहाँ पेड़ लगता है, जहाँ गांवों में पेड़ लगते हैं, आप वहां अगर देखेंगे उसके चारों तरफ या तो वो बड़ी मिट्टी वाला इलाका होता है। अगर आपने पेड़ लगा दिया और उसके चारों तरफ कॉन्क्रीटिंग कर दी तो ठीक है, पेड़ जो एसेंशियल न्यूट्रिशन जो है वो पा लेते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि इस तरह की जो चीजें जो होल्डिंग उसकी होनी चाहिए, पेड़ जमीन को पकड़ के रखते हैं, उसके लिए उनकी अपनी जो न्यूट्रिशन है शायद उसमें वो कमी आ पा रही है, कमी हो जा रही है, जिसके कारण वो इस तरीके की जो हाई विंड स्पीड है उसको झेल नहीं पा रहे हैं। और शायद ये काफी टाइम से उनके साथ रहा होगा और फिर ये फाइनली जो इस विंड स्पीड को वो झेल नहीं पाया और बहुत जगह पेड़ गिरने की आपकी जो ये रिपोर्टिंग आई है वो इसके कारण, मतलब ये एक एक्सपेक्टेशन है। अभी इस तक जी 100% नहीं कह सकता कि यही एक कारण नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि जो न्यूट्रिशंस है, जो हम लोग कहते हैं अपने ह्यूमन लैंग्वेज में कि माइक्रो मिनरल्स की कमी हो रही है बॉडी को, तो शायद पेड़ों के साथ भी माइक्रो मिनरल्स की कमी हो रही होगी और इस विंड स्पीड को वो झेल नहीं पाया। जी बिल्कुल, आपने कहा कि पेड़ भी इंसान की तरह है सर, लेकिन 100 साल की जिनकी पेड़ की उम्र थी एनडीएमसी के रिकॉर्ड के अनुसार, वो पेड़ भी आंधी तूफान नहीं झेल पाए। क्या इसका मतलब हम ये माना जाए कि जो अंधाधुंध और बेतरतीब रोड कटिंग है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि ज्यादातर जो पेड़ हैं वो सड़क के किनारे पर लगे हुए हैं? हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण है कि दिल्ली के अंदर आप देखिए तो अंडरग्राउंड मेट्रोज है काफी जगह पे, तो जो डीप रूट्स होते हैं जिसके कारण पेड़ की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होती है, जी वो शायद वो डीप रूट मिस हो रहे हैं। अभी जिस लोकेशन पे ज्यादा पेड़ गिरे हैं उस जगह पे ये हमें देखना होगा, क्या उसके नीचे से कोई मेट्रो टनल पास कर रही हो, कोई सीवर लाइन पास कर रहा हो, तो जो डीप रूट होनी चाहिए जो पेड़ को पकड़ के रखते जमीन पे, जी सॉइल इरोजन में उसको सॉइल इरोजन से बचाते हैं या फिर पेड़ की अपनी जो स्टैंडिंग है उसको वो मजबूत रखते हैं, तो वो डीप रूट के मिसिंग हो रही है। जी अब भुवन जी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से साल भर काम करता चलता रहता है, रोड की खुदाई होती रहती है, कहीं अंडरग्राउंड केबल डालने का काम होता है, कहीं इंटरनेट की वायर, कहीं गैस पाइपलाइन, तो क्या इसके लिए भी सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस तरह से काम हो? क्या ये एक आंधी तूफान सबक है आने वाले समय के लिए? क्योंकि अगर जमीन खोपड़ी होगी तो सीधे तौर पर नुकसान पेड़ को होगा। नहीं बिल्कुल बनानी चाहिए, जैसे कि आपको जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे उसमें चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा लगे, एक टाइम में चीड़ उसकी खूबसूरती एक होती है जिसके कारण वो, लेकिन चीड़ जो पेड़ होता है वो एक बार जिस एरिया में ग्रोथ कर जाता है वो किसी और पौधे को डेवलप होने नहीं देता है, तो और उसकी जो रूट्स होती है वो शैलो रूट्स होती हैं जो कि अधिकतर आंधी में गिर जाती थी। तो जी फिर हिमाचल हाईकोर्ट ने, सॉरी शिमला हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा गया कि अब फर्दर चीड़ के पेड़ नहीं लगाए जाएंगे।
कारण उसके सिर्फ ये थे कि उसके डीप रूट नहीं है। तो मैं उस बात से ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पर भी टनलिंग का काम हो रहा है, केबल का काम, ग्राउंड केबल का काम हो रहा है, वहां पर हो सकता है कि वो जो डीप रूट है किसी पेड़ के, वो काट दिए जाते हैं और वो अंडरग्राउंड कटता है, तो लोगों को शायद इसकी जानकारी भी नहीं, और पेड़ अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है। लेकिन जो उसके मेन रूट होते हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसके पास एक मेन रूट होता है और एक ब्रांच रूट होते हैं, जैसे कि आपको ऊपर उसका स्ट्रक्चर दिखता है, एज सिमिलर उसका नीचे स्ट्रक्चर होता है। तो जी एक मेन रूट होता है और उसके ब्रांचेस होते हैं, तो एज सिमिलर उसके जो नीचे, अगर उसके मेन रूट किसी कारणवश कट गए हों, तो ऑफकोर्स वो ब्रांचेस के बेसिस पे इतनी विंड स्पीड को नहीं झेल पाए और फाइनली इतने सारे पेड़ गिर गए। नुकसान हो जाए। भुवन जी, क्या सरकार हर साल मॉनसून के दौरान दिल्ली और देश भर में प्लांटेशन प्रोग्राम चलाती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, कि जिम्मेदारी नहीं बनती कि देखे क्या वाकई जिस जगह पर पेड़ लगाए जा रहे हैं उसके आसपास का एरिया कैसा है, और क्या अगर वहां पर किसी तरह का कोई काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, या फिर इसकी जो डीप रूट्स है वो कमजोर पड़ रही है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, या सिर्फ पेड़ लगाकर अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरा कर देना अपने आप में काफी है? नहीं, इसमें तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक प्लान आना चाहिए कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हमारे पास उस जगह का सॉइल प्रोफाइल जरूर हो, और खासकर दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे अंडरग्राउंड टनलिंग काफी ज्यादा है मेट्रो और इन सब के कारण, तो हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने डीप सॉइल वहाँ अवेलेबल है, तो उस हमारा ट्री का सिलेक्शन है। अगर हम वैसे ट्री ना लगाएं जैसे डीप रूट्स, और डीप रूट से ही वो खड़े होते हैं, तो हम वैसे उस जगह पे वैसे पेड़ लगाएं जहाँ पे डीप रूट की वैसे रिक्वायरमेंट ना हो, तो शैलो रूट्स की आपके पेड़ लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिर उनको इस बात से भी समझना होगा कि वो कितनी विंड स्पीड को विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब कितनी विंड स्पीड को झेल सकते हैं। तो इस तरह के तो पेड़ों के सिलेक्शन में हमारे पास ये प्रोफाइलिंग जरूर होनी चाहिए। सर, ये तो बात हुई जमीन के अंदर की, क्या जो कंक्रीटाइजेशन है वो भी एक बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर जिस तरह से पेड़ों की कटाई बड़े लेवल पर हो रही है, और तो फिर किसी खास जगह पर हम बदले में पेड़ लगा देते हैं, उसका नुकसान भी दिल्ली के लोगों को होगा? ऑफकोर्स होगा ना, क्योंकि आपका जो पेड़ है, मैंने कहा कि वो हम इंसानों की तरह ही जिंदा है, तो लेट सपोज कि आपने एक एक पुराना 100 साल का बरगद का पेड़ किसी जगह पर है, अभी उस जगह के बगल से सड़क चली गई या कुछ और यूटिलिटी सर्विसेज गई है, तो हमने क्या किया कि अपनी सुविधा के लिए उस पेड़ के चारों तरफ एक आ, 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 कुछ कंक्रीट कर दिया, इधर आपका ब्लॉक पेव से किया या फिर 100 कंप्लीट कॉन्क्रीटिंग कर दिया, तो जो जो सॉइल प्रोफाइल है वो मेरा डिस्टर्ब हो गया। और जब हम लोग कहीं पेड़ लगाते हैं, या जैसे कि अगर हम सिंपल अगर खेती करने की बात करें, तो खेती करने में क्या होता है, जब एक फसल कट जाती है तो दूसरी फसल को लाने से पहले हम खेत जोतते हैं। खेत जोतने का ये मतलब होता है कि जो खेत की जो मिट्टी है जो टाइट हो गई है उसको लूज कर देना होता है। लेकिन हमने तो जब उसमें कॉन्क्रीटिंग कर दिया तो उसको 100% कॉम्पैक्ट कर दिया है, और जो लूज सॉइल होती है जिसमें कि बहुत सारे नेचुरल बैक्टीरिया और जो नेचर नेचर रिलेटेड आइटम है, जो पेड़ को सपोर्ट करते, एक पौधे को सपोर्ट करते ग्रोथ के लिए, वो तो हमने उसके लिए पूरी तरीके से खत्म कर ही दिया। जी, आप लोग सर पर्यावरण पर काम करते हैं, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आंधी तूफान आया उसके बाद जिस तरह की कॉल सामने आई पेड़ गिरने की, ऐसे में क्या भविष्य के लिए कोई संकेत यहाँ पर छिपा हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या सरकार को इसे सबक लेना चाहिए आने वाले समय के लिए? ऑफकोर्स अगर इसको देखा जाए तो ये नेचुरल कैलामिटी के रूप में इसको देखी जा सकती है, क्योंकि तो इतना वर्स्ट कंडीशन इस बार नहीं था, लेकिन कभी आने में हो सकता है। जिस तरह से उत्तराखंड में पहले छोटी मोटी आप जी डिस्टर्बेंस दिखे, फिर उसके बाद एक बड़े डिस्टर्बेंस के रूप में आया, अगर हम पहले डिस्टर्बेंस को समझ लेते और आगे के डिस्टर्बेंस को रोक लेते तो इतनी बड़ी कैलामिटी नहीं आती। तो इस चीज को अगर समझ के हम लोग आगे फ्यूचर प्लान करें तो शायद ये ह्यूमन लाइफ के लिए बेटर होगा। और अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, जो कि हर चीज हम लोग इकोनॉमी से जोड़ के देखते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं काफी इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ, काफी कार पे जो व्हीकल्स थे उसके ऊपर पेड़ गिर गए, और जिनकी भी गाड़ियां उनकी के नीचे आई वो टूट गई। अब इस चीज को अगर देखा जाए इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद इंश्योरेंस वाले उसको क्लेम ना करें, क्योंकि वो कहेंगे ये तो नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा है। हमने तो आपको इंश्योर किया था एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल एस्पेक्ट से, तो
ये एक्सीडेंटल एस्पेक्ट में तो आएगा नहीं, ये नेचुरल कैलेमिटी थी, तो हम आपको आपके इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे सकते। तो अभी इस चीज को समझने की जरूरत है कि हाउ नेचर इज रिलेटेड टू अर्थ। ये चलिए कहीं ना कहीं एक संकेत है आने वाले समय के लिए, आपने बताने की कोशिश की। हालांकि इस तूफान की वजह से दिल्ली की ग्रीनरी को कितना नुकसान हुआ, इसका वास्तविक अभी आकलन कर पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि तमाम जो एजेंसीज है वो रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन जिस तरह के कॉल्स उस दिन सामने आए उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए संकेत भी है कि ना सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि पेड़ कैसे बचे रहे, इस पर भी सरकार को गंभीरता से अब काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन जी बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय देने के लिए। थैंक यू।